नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं ऑल इंडिया वार एग्जामिनेशन 12 का सॉल्यूशन, जो कि 10 जून 2018 को एग्जाम हुई थी। इससे पहले मैंने ऑल इंडिया वार एग्जामिनेशन 12 का, जो कि 10 जून 2018 को हुई थी, 1 से 50 का सॉल्यूशन किया था। इसका दूसरा पार्ट है जो मैं 51 से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अर्थात विषय। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 12 का, जिन्होंने 10 जून 2018 को एग्जाम दिया था, कुछ ही समय बाद आंसर की आया और आप सभी ने आंसर की से अपना आंसर मिलाया होगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने एक दो क्वेश्चंस पर डाउट भी बताया था कि कहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाउट हैं। इसके लिए एक मैसेज आया था ऑल इंडिया वार काउंसिल से कि जिनको आपत्ति है, क्लेम करना है, वो 23 जून 2018 तक क्लेम कर सकते हैं या मेल उनको दे सकते थे। और अगर 23 जून तक नहीं करते हैं तो उन्होंने जो आंसर की दिया है उसी के बेस पर रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगा। तो आप इसके लिए आप ऑल इंडिया वार एग्जामिनेशन के साइट पर देख सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है। फिलहाल तो मैं आगे जो कि 51 से लेकर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, उसमें भी कुछ दो चार क्वेश्चन पर डाउट है, देखते हैं क्या है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 51, संपत्ति कर अधिनियम की धारा 29 के द्वारा क्या होता है? तो 29 धारा 29 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। प्रश्न 52, जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत इस अधिनिर्णय में किए गए सभी सुधारों में शामिल सभी व्यक्तियों को तत्काल नोटिस यानी सूचना प्रदान करेगा। पशुकी नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी कब की गई है? तो 1986 को। कानून के अनुसार वैध अभिभावक कौन है? तो कानून के अनुसार वैध अभिभावक के लिए ऑप्शंस देखिए, एक व्यक्ति जो कानून अनुसार नाबालिग का प्रतिनिधित्व करता है, सही होना चाहिए, एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है, यह भी सही होना चाहिए, एक व्यक्ति जिसे किसी अविवाहित बेटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया है, यहां पे तीनों सही है, चौथा देखते हैं। ऑल द एबव उपयुक्त सभी, यानी कानून के अनुसार वैध अभिभावक ये तीनों हो सकते हैं। मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 का भाग 3 औपचारिक रूप देता है समझौते की प्रक्रिया के लिए। संविधान में न्यायपालिका का कार्यकारिणी से पृथकीकरण किस अनुच्छेद के तहत वाद्य है? तो 50/50 के तहत वाद्य है। किस धारा के तहत आरोपित मामले में इन कैमरा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है? तो आईपीसी की सेक्शन 376, इसके बारे में कुछ नोट्स है, देखिए सेक्शन 320 आईपीसी, सेक्शन 302 आईपीसी हत्या के लिए साजिश, सेक्शन 307 हत्या का प्रयास, सेक्शन 376 बलात्कार के लिए सजा, सेक्शन 498 ए आईपीसी, एक महिला के पति के पति या रिश्तेदार जो उसे क्रूरता के अधीन रखते हैं। तो सेक्शन 376 आईपीसी की इन कैमरा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। प्रश्न
58, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए, तो 24 घंटा। प्रश्न 59, इनमें से कौन मुस्लिम रख रखाव के लिए पात्र नहीं है? इसमें ऑप्शंस है, कुछ पुत्र जो कि नाबालिग है, पुत्री जिसका विवाह नहीं हुआ है, दादा दादी, और डी में है एक गैर कानूनी पुत्र। तो इसका आंसर होगा एक गैर कानूनी पुत्र मुस्लिम रख रखाव के लिए पात्र नहीं होते हैं। प्रश्न 60, नागरिक मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम सबूत का बोझ किस पर डालता है? तो प्रार्थी पर। प्रश्न 61, कहता है निम्नलिखित में से कब सीआरपीसी की धारा 59 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का निर्वहन हो सकता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, अपने ही बंधन पर, जमानत पर, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 62 है, ए को धन के साथ एक पर्स मिल जाता है जिसे यह नहीं पता कि वह किससे संबंधित है। वह बाद में पता चलता है कि वह यह बी से संबंधित है और अपनी स्वयं के उपयोग के लिए उपयुक्त है। ए दोषी है आपराधिक दुरुपयोग का। प्रश्न 63 है, आदेश 33 नियम 1 में पर्याप्त साधनों का अधिकार नहीं है। इसका शब्द है संपत्ति के लिए जिस पर याचिकाकर्ता का वास्तविक नियंत्रण होता है। प्रश्न 64 है, कानूनी सेवाएं प्राधिकरण एक्ट की धारा 22B के को केंद्रीय और राज्य अधिकारियों की सशक्त बनाती है ताकि वो लोक अदालत या अस्थाई लोक अदालत की शक्तियां प्रदान करने के लिए हो। प्रश्न 65 है, निर्णय नियम या आदेश आदि में लिपिक या अंक गणितीय गलतियां सही किया जा सकता है सीपीसी की धारा 152 के तहत। आइए देखते हैं और भी सेक्शंस क्या कहती है। अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी अदालत की अंतर्निहित शक्तियों की बचत से संबंधित है। अंडर सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी निर्णय आदेश या आदेश में संशोधन से है। अंडर सेक्शन 153 ऑफ सीपीसी संशोधन करने के लिए समान शक्ति से है। अंडर सेक्शन 153A ऑफ सीपीसी धर्म जाति जन्म स्थान निवास भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव के रख रखाव के लिए पूर्व ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 66 है, दोषी द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान स्वीकार्य है। 67 प्रश्न 67, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में फैसला किया कि सांसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की बुनियादी संरचना और मूलभूत विशेषता को बदल नहीं सकती। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है। प्रश्न 68, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित खंडों में से कौन से खंड के अंतर्गत पुलिस वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है? तो सेक्शन 41 धारा 41। और भी सेक्शंस है, देखते हैं क्या कहती है सेक्शंस। सेक्शन 40 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सेक्शन 40, कुछ रिपोर्ट करने के लिए गांव के मामलों के संबंध में कार्यरत अधिकारियों का कर्तव्य। सेक्शन 41, जब पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 42, नाम और निवास देने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। सेक्शन 37,
मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करने के लिए सार्वजनिक प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की मदद करने के लिए वाद है जो उसकी सहायता मांगता है। प्रश्न संख्या 69, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की कौन सी धारा का संबंध अनुबंध के उल्लंघन से है? तो इसका आंसर है सेक्शन 60। और भी सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन 50 पारागमन में रोकने का अधिकार से है, सेक्शन 65 दोहराने से, और सेक्शन 60 देय तिथि से पहले अनुबंध की अस्वीकृति, और सेक्शन 70 है ही नहीं। प्रश्न संख्या 70 में कॉपीराइट अधिनियम में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही किस प्रावधान के द्वारा शामिल की गई है? तो इसका उत्तर है सेक्शन 63 से 70 के बीच में। और भी सेक्शन को देख लेते हैं। कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 13 से 16 कॉपीराइट के बारे में है, कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 17 से 27 कॉपीराइट और मालिक के अधिकारों का स्वामित्व कॉपीराइट की अवधि से है, और कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 63 से 70 अपराध से संबंधित है। प्रश्न 71, भारतीय पंजीकरण अधिनियम की कौन सी धारा उपहारों और अचल संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य करती है? तो इसमें सेक्शन जो दिया हुआ है डी कहता है उपयुक्त में कोई नहीं। आइए देखते हैं इन सेक्शंस में क्या है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 11, अपने जिले में कर्तव्य पर रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति सेक्शन 13, धारा 10, 11 और 12 के तहत नियुक्तियों की राज्य सरकार को रिपोर्ट करें सेक्शन 17, जिन दस्तावेजों के पंजीकरण अनिवार्य है उससे संबंधित है ये सभी सेक्शन। प्रश्न 72, सड़क परिवहन को नियंत्रण करने की राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा के तहत प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67। और भी सेक्शन को देखते हैं क्या है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 अंडर सेक्शन 67, 67 सड़क परिवहन को नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति सेक्शन 68, परिवहन प्राधिकरण सेक्शन 69, परमिट के लिए आदेश के रूप में सामान्य प्रावधान। प्रश्न 73, फैसला पक्षों या उनके वकीलों को खुली अदालत में सुनाया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन है पूरा फैसला सुनाकर, पूरा फैसला पढ़कर, फैसले का क्रियात्मक भाग पढ़कर, या उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो फैसला सुनाया जाता है पूरा फैसला सुनाया जाता है, पढ़कर सुनाया जाता है, या कुछ पार्ट्स को लेकर जजमेंट को सुनाया जाता है फैसले का क्रियात्मक भाग पढ़कर। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। प्रश्न 74, अभियोजन के पक्ष के लिए साक्ष्य सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत आती है? तो सेक्शन 242 सीआरपीसी के अंतर्गत आती है। और भी सेक्शन है, आइए देखते हैं क्या कहता है इन सभी के बारे में। सेक्शन 242 सीआरपीसी अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य है, सेक्शन 264 सीआरपीसी मामलों में निर्णय संक्षेप में कोशिश की, सेक्शन 337 सीआरपीसी धारा 199(2) के तहत स्थापित मामलों में प्रक्रिया, सेक्शन 235 सीआरपीसी निर्दोष या
विश्वास का निर्णय से संबंधित है। प्रश्न 75, आत्महत्या के लिए उकसाना यह आईपीसी की किस धारा में आता है? तो यहां पे ऑप्शन में आंसर तो नहीं है, आइए देखते हैं एबीसी ऑप्शंस क्या कहती है। सेक्शन 9 आईपीसी एक वचन संख्या से संबंधित है। सेक्शन 8 आईपीसी लिंग किसी भी व्यक्ति पुरुष या महिला के लिए किया जाता है। सेक्शन 7 आईपीसी अभिव्यक्ति की भावना में एक बार समझाने से है। प्रश्न 76, भारतीय तलाक कानून के अंतर्गत विवाह के विघटन के लिए एक आदेश पारित करना परिवार न्यायालयों के संवर्ती अधिकारी क्षेत्र है, यह आदेश किस मामले में पारित किया गया था? तो इसका आंसर तो उपयुक्त में कोई नहीं बता रहा है और इसके बारे में मैंने कुछ नोट भी नहीं है, आगे देखते हैं। प्रश्न 77 अधिवक्ताओं के लिए दुराचार की सजा अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा में है? तो सेक्शन 35, और भी सेक्शन है, देखिए क्या है 77 एडवोकेट एक्ट 1971 सेक्शन 25, प्राधिकरण जिसके लिए नामांकन के लिए आदेश दिया जा सकता है। सेक्शन 33, अकेले वकील अभ्यास करने के हकदार हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, अकेला वकील अभ्यास करने के हकदार हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकता है। और सेक्शन 35 दुर्व्यवहार के लिए समर्थकों की सजा से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। प्रश्न 78, इनमें से कौन सा मामला जन अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त सभी है, ऑप्शन देखते हैं, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, और नगर निगम रतलाम बनाम वर्ती चंद्र AIR 1908। इसके बारे में भी मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया है, आप इसे देखें, इसमें विशाखा बनाम राजस्थान के बारे में मैंने पहले पार्ट में बनाया है और ये दोनों का बारे में नहीं मालूम है, आप देख लें। प्रश्न 79 सीआरपीसी की धारा 239 के अधीन मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? तो इसका आंसर है, यदि दोष आधार रहित है तो दोषी को रिहा करना, दोषी को रिहा कर सकता है। प्रश्न 80 है, अनुच्छेद 213 ने राज्यपाल को अध्यादेशों को लागू करने का अधिकार दिया जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है। प्रश्न 81, राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों को संविधान में परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 264 यानी 264 से 293। यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा, मेरे ख्याल से सारे लॉ स्टूडेंट या जितने भी एडवोकेट हैं अनुच्छेद के बारे में या अनुच्छेद का बुक तो जरूर होगा संविधान का, तो उनसे आप देख सकते हैं। 82, प्रश्न 82, महात्मा गांधी जी को अहमदाबाद में जेल में हुई और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत इसलिए मुकदमा चलाया गया कि सरकार के लिए असंतोष और राजद्रोह के लिए, असंतोष और राजद्रोह के लिए वह 124A के तहत मुकदमा चलाया गया था। प्रश्न 83, पुलिस सीआरपीसी की धारा 109 और 110 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिज्ञा पत्र की मांग किस से कर सकता है? तो अभ्यस्त अपराधी से। प्रश्न 84, दयाभाग स्कूल का मानना है कि एक परिवार क्योंकि वह संयुक्त है इसलिए उसकी संपत्ति भी संयुक्त है, इसका
सी आंसर है, यह कथन गलत है, यह बिल्कुल गलत है। प्रश्न 85 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1872। प्रश्न 86, वकील के पेशेवर नैतिकता के संबंध में सही कथन कौन सा है। सारा ऑप्शंस कहता है कि सभी सही है, तो क्या है, वकीलों को हड़ताल पर जाने का बहिष्कार के लिए कॉल देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई वकील किसी भी अवैध या अनुचित साधन या अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं करेगा, अदालत की प्रक्रिया का अपमान करने वाला वकील दोषी और दुर्व्यवहारी है। तो यहाँ पे सभी होगा। 87, प्रश्न 87, अधिकार प्रशासन किस प्रशासन का है, अधिकार प्रशासन किस प्रशासन का है, तो फ्रांसीसी प्रणाली का। प्रश्न 88, साइबर अपराध को किस अधिनियम में शामिल किया जाता है, तो इसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रश्न 89, इनमें से कौन सा निजी अधिकार नहीं है, तो आप सभी जानते होंगे, संपत्ति के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इनमें से है अधिकार, लेकिन ऑल ऑफ एबव उपयोग सभी जो है इनमें से निजी अधिकार नहीं है। प्रश्न 90 है, धारा 61 सीआरपीसी के तहत निम्नलिखित में कौन सा सम्मान के बारे में सही है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है, यह प्रक्रिया का हल्का रूप है, यह उपस्थिति के लिए है, यह दस्तावेजों को चीजों को उत्पादन के लिए है। प्रश्न 51, कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज का प्रमुख मामला क्या है, तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है, और इसके बारे में मैंने कुछ नोट्स भी नहीं बनाया है, आप देख ले। प्रश्न 92 है, 92, विक्रय साधन अधिनियम की धारा 138 का मुख्य उद्देश्य क्या है, विक्रय साधन अधिनियम की धारा 138 का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आंसर की में 92 में देखें, बी आंसर दिया हुआ है, सी कोर्ट का, लेकिन मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, आप इसे अच्छे से देख लेंगे, तो मेरे ख्याल से सी आंसर होना चाहिए, आरटीओ द्वारा जब्त हुए वाहनों की पुनः प्राप्ति नहीं होना चाहिए, धारा 38 जो है नेगोशिएबल इंस्टॉलमेंट एक्ट, दाता द्वारा जारी किए गए चेक पर बाउंस होने पर चेक राशि का पुनः प्राप्ति करने से है। प्रश्न 93, राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के तहत उत्तीर्ण आदेश के डिग्री एक अपील है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 94, प्रश्न 94 है, कौन सी संस्था दुर्व्यवहार के लिए अधिवक्ताओं को दंड प्रदान करता है, तो अनुशासनात्मक समिति। प्रश्न 95, 95, कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के ज्ञापन का ग्रहण बनता है को कम से कम कितने शेयर लेने होते हैं, तो स्वाभाविक है एक शेयर तो लेने ही होते हैं। प्रश्न 96, जीएसटी के बारे में है, जीएसटी कब से लागू हुआ, तो जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, लेकिन इसका आंसर डी बता रहा है, आप देख सकते हैं 96 का डी, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, आप इसे कंफर्म हो लेंगे। और प्रश्न 97 है, लीड लीस पेडस का सिद्धांत संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण के किस अनुभाग के तहत दिया गया, तो 52/52 के तहत दिया गया। प्रश्न 98, अंतरराष्ट्रीय कानून की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो यह एक सच्चा कानून है। प्रश्न 99 है, विलंबित मेहर तलाक के वाक या फिर पति की मृत्यु के समय दे है, यह कथन सत्य नहीं है। लास्ट प्रश्न 100, मृत्यु घोषणा पत्र किसके द्वारा
बनाया जाना चाहिए। तो मृत्यु से पहले बीमार व्यक्ति द्वारा मृत्यु घोषणा पत्र बनाया जाना चाहिए।